नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का ABCD। केमिस्ट्री का ABCD का मतलब, अगर आप केमिस्ट्री शुरू से एकदम पढ़ना चाहते हो जीरो लेवल से, और आपको जीरो लेवल से पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम निकालना चाहते हो, तो आपको एकदम शुरुआत से आना चाहिए हर चीज़। तो केमिस्ट्री का ABCD अगर आपको सीखना है तो आज आप ये पहला वीडियो देख लो, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर सीखना है, परमाणु संख्या, कम से कम 1 से लेकर 20 तक, इतना आपको याद होना चाहिए। और ऐसे कंपटीशन का व्यू से तो कम से कम 30 तक। तो परमाणु संख्या अगर आपको 1 से 30 तक याद है, एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक याद है, तो आप केमिस्ट्री का ABCD कुछ कुछ आपको समझ में आने लगेगा। फिर आपको उसका मैं यूज बताऊंगा, मेटल किसको बोलेंगे, नॉन मेटल किसको बोलेंगे, वैलेंसी किसको क्या होता है, रिएक्शन कौन कैसे करता है, सारा चीज आपको पता चल जाएगा अगर आपको एटॉमिक नंबर मालूम है तो। बहुत सारे लोग को आप लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन आप उसका अभी भी सही इस्तेमाल नहीं जानते हो। तो हम लोग धीरे धीरे पूरा इस्तेमाल जान जाएंगे केमिस्ट्री में, कि कैसे रिएक्शन होता है, किससे कौन रिएक्शन आसानी से करेगा, कौन नहीं करेगा। तो उतना बात को नहीं करूंगा मैं, जल्दी से वीडियो का स्टार्ट करता हूं। तो जल्दी से सीखें एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक याद करना। एक स्टोरी में, मतलब मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा और आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। 1 से लेकर 30 तक आपको याद हो जाएगा, 13, 14, 15, है ना। 20 तक तो एकदम सबको याद होना चाहिए, लेकिन मैं 30 तक याद करा दूंगा ताकि कंपटीशन का व्यू से भी आपको दिक्कत नहीं हो। कभी कभी तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना, निकेल का कितना, जिंक का कितना। तो आपको याद होना चाहिए 29, 30, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 1 से लेकर 30 तक। इसके लिए तीन डालो खाली आपको करना होगा, तीन डालो। एक बच्चा है 8-10 साल का, वो दिन भर कार्टून नेटवर्क अपना घर में देखते रहता है, मतलब कार्टून देखते रहता है। तो उसका फादर उसका रूम में आए और उसको बोले, पहले तो हाय हेलो बोलेंगे, उसके बाद बोले कि बेटा आप कार्टून नेटवर्क क्या करो, बंद करो, देखो नहीं। बच्चा रूम में दिन भर कार्टून देखते रखता था। तो चलो ये स्टोरी से आपका 9 तक याद हो जाएगा, देखो कैसे। उसका फादर बोले हाय हेलो, देख लो क्या बोले उसका फादर रूम में आए तो, हाय हेलो बेटा, देख लो एकदम डायलॉग, हाय हेलो, हेलो में ये दोनों ले लेना। हाँ हेलो बेटा, BCN, BCN का मतलब भारत का कार्टून नेटवर्क, BCN भारत का कार्टून नेटवर्क, BCN ऑफ करो, ऑफ करो मतलब बंद करो, क्लियर। देखो एटॉमिक नंबर 9 तक आपको याद हो गया, हाय हेलो बेटा, BCN ऑफ करो, एटॉमिक नंबर 9 तक आपको याद हो गया, हाय हेलो बेटा, BCN भारत का कार्टून नेटवर्क ऑफ करो, 9 तक याद हो गया। अब इसमें एंट्री होगा बच्चा का माँ का, बच्चा का काम अब खत्म। उसका माँ का नाम था नीना, क्या नाम था, नीना। और वो मांगती थी अपना हस्बैंड से अल्टो, क्या मांगती थी, अल्टो। तो देखो नीना मांगे अल्टो, नीना मांगे अल्टो, और उसका हस्बैंड था सिपाही। तो वो बोला पहले आप क्या सीखो, साइकिल, अरे पहले साइकिल चलाने सीखो, उसके बाद ना फिर सीखोगे अल्टो, डायरेक्ट अल्टो सीखोगे। तो फिर से देखो, नीना मांगे अल्टो, तो उसका हस्बैंड सिपाही था, तो सिपाही, सिपाही सिखाए साइकिल, सिपाही सिखाए साइकिल, सिपाही बोला साइकिल सीखो। चलो यहां तक हो जाएगा, फिर से डायलॉग को रिपीट करो, हाय हेलो बेटा,
बी सी एन ऑफ करो, भारत का कार्टून नेटवर्क ऑफ करो, उसके बाद डालो नीना मांगे अल्टो, सिपाही सिखाए साइकिल। अब वो साइकिल सीख रही थी, तो साइकिल सीखने के दौरान उसको कुत्ता काट लिया, साइकिल चला रही थी उसी में कुत्ता उसको काट लिया। तो और कुत्ता, के फॉर कुत्ता ध्यान रखना है, काटे कुत्ता काटे। 20 तक आपका एटॉमिक नंबर याद हो गया। तो अगर आप 9-10 का स्टूडेंट हो तो उसके व्यू से 20 तक काफी है, 9-10 का व्यू से, लेकिन पॉलिटेक्निक के लिए 30 तक आप याद कर लो, बेस्ट रहेगा। तो देख लो फिर से, हाय हेलो बेटा, बीसीएन ऑफ करो, नीना मांगे अल्टो, सिपाही सिखाए साइकिल और कुत्ता काटे। क्लियर है? 20 तक आपको याद हो गया, आपको पता भी नहीं चला। और ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ है, मैं नैन क्लासेस अपना जो तेतुलमारी का सेंटर में है, 10 को बच्चा को पढ़ा रहा था 9-10 का, उसी में मिलजुल के हम लोग बनाए थे। पूरा पीरियोडिक टेबल का आपको ट्रिक अलग अलग बहुत सारा चैनल में मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे, लेकिन 1 से 20 तक का कोई नहीं पढ़ाया होगा। तो 1 से 20 तक हम लोग बनाए मेहनत से। उसके बाद 30 तक देखो क्या होगा, यहाँ कुत्ता काट लिया आप, अब क्या चीज चला रही थी तो कुत्ता काटा साइकिल, अब गुस्सा गया बोली स्कूटी, क्या बोली स्कूटी, देखो एस सी स्कूटी, देखो स्कूटी हो गया, स्कूटी वैन, मारुति वैन होता है ना, तो स्कूटी वैन, कार में एम एन ध्यान रखना, हाँ स्कूटी वैन कार में फेंको, फेंक देंगे, वो गुस्सा गई, वो बोली अब स्कूटी वैन कार में फेंक देंगे, क्या फेंकेंगे, नींबू कूड़ा जूता, जेड से क्या बनेगा, जूता बना दो, नींबू कूड़ा जूता। एटॉमिक नंबर 30 तक हो गया। फिर से देखो, 3 डायलॉग में आपका पूरा खत्म है। देखो क्या, हाय हेलो बेटा, बीसीएन ऑफ करो, 9 तक हो गया, नीना मांगे अल्टो, सिपाही सिखाए साइकिल और कुत्ता काटे, कुत्ता काट लिया। अब कुत्ता काटने के बाद, घुसाने के बाद क्या बोली हो, स्कूटी वैन कार में फेंको, स्कूटी वैन कार में फेंको, क्या फेंको, नींबू कूड़ा जूता। एटॉमिक नंबर 30 तक आपको याद हो गया। अब 2-4 क्वेश्चन तो इससे डायरेक्टली आपको बन जाएगा, बोल देगा जिंक का एटॉमिक नंबर बताओ, परमाणु संख्या जिंक का तो 30, कॉपर का 29, निकेल का 28। तो एटॉमिक नंबर कभी भी पूछेगा तो 20 से ज्यादा का ही पूछता है। अस्केंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन का देखो एफ ई मतलब आयरन, फेरस इसको बोलते हैं फेरस, तो देखो कितना आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28। क्लियर है? तो देखो पहला था हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, यानी सबसे हल्का एलिमेंट पूछेगा, तो सबसे हल्का तत्व, धातु अधातु के यहाँ बात नहीं कर रहा हूं मैं, एलिमेंट का मतलब सब चलेगा, मेटल भी नॉन मेटल भी। तो सबसे हल्का एलिमेंट कौन, तो हाइड्रोजन, सबसे हल्का हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 है। सबसे हल्का मेटल अगर बोल दिया तो सबसे हल्का मेटल लिथियम होगा, 3। अभी कौन मेटल कौन नॉन मेटल ये हम पार्ट 2 में सिखाएंगे पूरा डिटेल में, लेकिन इसमें सिर्फ एटॉमिक नंबर आपको याद करना है। और अगर ये सीख गए तो आप परमाणु एटॉमिक नंबर सीख गए तो उसका मास भी आप आराम से कर लोगे, लगभग का डबल होगा, किसी का डबल से 1 ज्यादा होगा, मतलब याद हो जाएगा। वैलेंसी निकालना आप सीख जाओगे, वो रिएक्शन कैसे करता वो सीख जाओगे, मतलब बहुत सारा चीज सीखोगे, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है सीख जाओगे, प्रोटॉन कितना है सीख जाओगे, अगर सिर्फ आप एटॉमिक नंबर अच्छे से सीख गए तो। एटॉमिक नंबर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से 30 तक याद हो गया होगा। फिर से एक बार डायलॉग रिपीट कर लो, लिख लो, हाय हेलो बेटा, बीसीएन ऑफ करो, नीना मांगे अल्टो, सिपाही सिखाए साइकिल और कुत्ता काटे, कुत्ता काटने के बाद गुस्सा गई, स्कूटी वैन कार में फेंको,
नींबू कूड़ा जूता, 30 तक आपको याद हो गया। इससे फायदा होगा, हम लोग पूरा पीरियोडिक टेबल भी इसके हेल्प से बना लेंगे पूरा। चलिए, तो ये था हम लोगों का केमिस्ट्री का एक तरह से पहला वीडियो ABCD। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पूरा डिटेल में हमारा वीडियो को देखें, पूरा चैप्टर वाइज देखें, लाइन बाय लाइन देखें, बिना प्रचार के साथ देखें, और सर को कुछ हेल्प भी करना चाहते हो आप, मतलब मुझे आपका भी फर्ज बनता है कि सर को कुछ योगदान करें, तो मुझे सपोर्ट भी करना चाहते हो, चैनल से जुड़ो, मेरा यूट्यूब चैनल से, और हम लोग आपके लिए पॉलिटेक्निक के लिए लर्निंग ऐप लाए हुए हैं, नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी डाउनलोड कर सकते हो, या प्ले स्टोर पे जाओ और वहां सर्च मारो नैन क्लासेस, मेरा ऐप आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ऐप से जुड़ जाइए, पूरा पॉलिटेक्निक का तैयारी आपको उसमें कराया जाएगा चैप्टर वाइज बिना प्रचार का। प्लस आप मेरा सपोर्ट भी करोगे, कुछ पैसा भी हमको मिलेगा उससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।